हाय एवरीवन, मैं हूँ विभा और मेरे चैनल टेस्टी फूड बाय विभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अष्टमी और नवमी के दिन आप अपने घर में कंजक पूजन तो करते ही होंगे, तो आज मैं आपको बताऊंगी कंजक पूजन के प्रसाद की बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी, जिसमें हम बनाएंगे हलवा, पूरी और काले चने, वो भी बिल्कुल भंडारा स्टाइल में। तो इस रेसिपी को जानने के लिए मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अष्टमी और नवमी प्रसाद। अष्टमी और नवमी प्रसाद में हम काले चने, हलवा और पूरी बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम काले चने बना लेते हैं। काले चने बनाने के लिए मैंने 1 कप काले चने ले लिए थे, जिन्हें मैंने पूरी रात पानी में भिगो के रख दिया था। अब हम ये काले चने बॉईल होने के लिए रखेंगे, जिसके लिए लिया है मैंने ये कुकर। ये देखिए, मैंने कुकर ले लिया है, इसके अंदर जाएंगे काले चने, ये मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें जाएगा 1 कप पानी, ये मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच नमक, चलिए ये भी ऐड हो गया। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए मिक्स हो गए, कुकर को मैं बंद कर देती हूँ। चलिए कुकर मैंने बंद कर दिया है। इन काले चनों को बॉईल करने के लिए कुकर हम गैस पर रख देते हैं। मैंने कुकर गैस पर रख दिया है, गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे 1 विसल आने देंगे। 1 विसल आने के बाद काले चनों को 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे और जब इसकी स्टीम निकल जाएगी फिर कुकर को ओपन करेंगे। चलिए जब तक हमारे काले चने बॉईल हो रहे हैं तब तक हम बना लेते हैं मसालों का मिक्सचर। मसालों का मिक्सचर बनाने के लिए मैंने लिया है मिक्सिंग बाउल। सबसे पहले इसमें जाएगा 2 छोटी चम्मच हरा धनिया पाउडर। अब इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब जाएगा इसमें 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब जाएगा 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। अब इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। चलिए इन मसालों को पहले स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन मसालों में नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि जो हमने काले चने बॉईल होने के लिए रखे हैं उसमें ऑलरेडी मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। चलिए मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं स्पून से। अब इसमें हम डालेंगे पानी। मैं बाउल को थोड़ा सेंटर में ले आती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसकी एक पेस्ट बनानी है। इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक इसकी एक अच्छी पेस्ट ना बन जाए। आप देख सकते हैं जो हमारे मसाले हैं उसकी कितनी बढ़िया स्मूथ पेस्ट बन गई है। मसालों में पानी मैंने इसलिए ऐड करा है क्योंकि जब हम ये मसाले ऑयल में डालकर भूनेंगे तो ये जलेंगे नहीं और हमारे काले चनों में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। चलिए हमारे मसाले की पेस्ट भी रेडी हो गई है, हमारे काले चने भी बॉईल हो चुके हैं, तो कुकर खोल के देख लेते हैं। हमारे काले चने बॉईल हो चुके हैं, कुकर में से सारी स्टीम भी निकल चुकी है, गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। मैं आपको कुकर खोल के दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे काले चने बॉईल हो गए। मैं एक चना आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने आराम से ये टूट रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इन काले चनों में जो पानी है वो हमें फेंकना नहीं है, उसे भी हम यूज़ करेंगे। अब हम काले चने बनाना शुरू करते हैं। काले चने बनाने के लिए मैंने लिया है पैन, इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल, ये लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल है। ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर इसमें हम जीरा डालेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच जीरा, ये मैंने ऐड कर दिया है। जीरा को थोड़ा सा पकने देंगे।
आप देख सकते हैं जो हमारा जीरा है वो पक चुका है, ये थोड़ा थोड़ा चटकना भी शुरू हो गया है। अब इसी स्टेज पे जाएगी हमारी मसालों की पेस्ट जो हमने रेडी करी थी, ये हम सारी डाल देंगे। मैंने सारी मसालों की पेस्ट डाल दी है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। आप देख सकते हैं तेल कितना गर्म है, अगर मैं सूखे मसाले ऐसे ही डाल देती तो मसाले जल जाते, तभी मैंने मसालों में पानी ऐड करके उसकी पेस्ट बना दी थी। अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनना है हमें इस मसालों को। गैस की फ्लेम में दोबारा बताना चाहूँगी मीडियम ही होनी चाहिए। मसालों को भूनते हुए लगभग 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मसालों ने जो तेल है वो भी रिलीज़ कर दिया है। अब इसी स्टेज पर जाएंगे काले चने जो हमने बॉईल करे थे, ये हम पानी समेत डालेंगे। मैंने इनका पानी फेंका नहीं है, मैं इनको पानी समेत ही डाल रही हूँ। चलिए अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से मसालों के साथ। जिस पानी में हमने काले चने बॉईल करे थे वो मैंने इसमें इसलिए डाला है, सबसे पहली बात ये पानी बहुत हेल्दी होता है, और दूसरी बात जब ये पानी चने और मसालों के साथ सूखेगा तो मसालों की बहुत ही बढ़िया कोटिंग आ जाएगी काले चनों पर। अब इन काले चनों को मसालों के साथ मिलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए हम भून लेंगे। जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम टू हाई कर देंगे। अब मुझे काले चनों को भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये कितने बढ़िया तरीके से मसाले से कोट होने लग गए हैं। अब इन काले चनों को मैं ढक देती हूँ, गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ये बढ़िया तरीके से कुक हो जाएं। मैं आपको ये सूखे काले चने बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही बता रही हूँ जैसा भंडारों में बनाया जाता है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं हमारे काले चनों को पकते हुए, चलिए लिड हटा के देख लेते हैं। देखिए जो हमारे काले चनों में पानी था वो सारा सूख चुका है और इन काले चनों पर मसाले की कितनी बढ़िया कोटिंग आ गई है। अब हमारे जो ये काले चने हैं ये बिल्कुल रेडी हैं। अब बस हमें लास्ट स्टेप करना है, जो ये काले चने हैं इस पर हम डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया। चलिए मैंने हरा धनिया डाल दिया है, गैस की फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ। हमारे सूखे काले चने बिल्कुल रेडी हैं, इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब पूरी के लिए आटा गूंद लेते हैं। पूरी का डो बनाने के लिए मैंने 1 बाउल में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें सबसे पहले जाएगा 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन डालना ऑप्शनल, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें वरना रहने दीजिए। अब इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच ऑयल, चलिए ये भी डाल दिया। अब इन सबको पहले हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैंने लिया है ये पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पूरी बनाने के लिए थोड़ा सख्त आटा गूंदना है हमें, ताकि जब हम पूरी बेलें तो उस समय हमें सूखा आटा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और थोड़ा टाइट डो रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं जो पूरी बनाने का डो है वो रेडी है बिल्कुल, इसे मैंने थोड़ा सख्त गूंदा है, ज़्यादा सख्त नहीं है, थोड़ा सा सख्त है। अब डो को ढककर हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि पूरी बनाने के लिए डो सेट हो जाए। जब तक डो रेस्ट पर रखा है हम प्रसाद के लिए सूजी का हलवा तैयार कर लेते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने ली है 3/4 कप सूजी और 1/4 कप गेहूं का आटा, टोटल मिलाकर हो गया 1 कप। थोड़ा सा गेहूं का आटा ऐड करने से जो सूजी का हलवा है वो बहुत ही टेस्टी बन जाता है। जैसे भंडारों में जो सूजी का हलवा बनता है उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिक्स किया जाता है, तभी वो बहुत स्वाद लगता है, तो हम भी उसी तरीके से ही बना रहे हैं। 1 कप मैंने ली है चीनी, चीनी इक्वल लेनी है सूजी और आटे के मिक्सर की। जैसे 1 कप हमारा सूजी और आटे का मिक्सर है तो 1 कप ही चीनी लेनी है। पानी मैंने लिया है 3 कप, जो पानी है वो हमें 3 गुना लेना है। जैसे 1 कप सूजी और आटे का मिक्सर है तो 3 कप पानी लेंगे।
मैंने पानी में येलो फूड कलर डाला है जिससे कि हमारे सूजी के हलवे में बहुत ही सुंदर कलर आ जाएगा, लेकिन ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना रहने दीजिए। ये मैंने लिया है देसी घी 1/2 कप। इसके बाद मैंने लिए हैं कुछ बारीक कटे ड्राई फ्रूट, जैसे 1 टेबलस्पून बारीक कटा बादाम, 1 टेबलस्पून बारीक कटा काजू और 1 टेबलस्पून ही मैंने ली है किशमिश। और ये मैंने लिया है 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। चलिए ये तो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए सूजी के हलवे के लिए। मैं इसी स्टेज पर आपको बताना चाहूँगी, आप कोई भी 1 कप सेट कर लीजिए और सारा मेजरमेंट उसी कप से करिए सूजी के हलवे के लिए। तो चलिए सूजी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने ली है कढ़ाई, गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। सबसे पहले इसमें जाएगा देसी घी। चलिए देसी घी मैंने डाल दिया। देसी घी को हल्का सा गर्म होने देंगे, फिर इसमें सूजी और आटा ऐड करेंगे। जो देसी घी है वो हल्का सा गर्म हो चुका है, अब इसी स्टेज पर हम ऐड करेंगे इसमें सूजी और गेहूं का आटा। चलिए ये ऐड कर दिया। गैस की फ्लेम अब बिल्कुल मीडियम कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक सूजी का कलर हल्का गोल्डन ना हो जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे सूजी और आटे को देसी घी के साथ और इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। आप देख सकते हैं सूजी और आटे का कलर चेंज होकर हल्का गोल्डन हो गया है, मतलब ये भून चुकी है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे काजू और बादाम जो हमने बारीक काटे थे। ये इसमें जाएंगे बादाम और ये इसमें जाएंगे काजू और इसे भूनेंगे। काजू और बादाम मैंने इस स्टेज पर इसलिए डाले हैं ताकि सूजी और आटे के साथ साथ ये भी भून जाएं और ड्राई फ्रूट्स में भी बढ़िया भुना हुआ फ्लेवर आ जाएगा। बस इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस सिर्फ 1 मिनट के लिए ही भूनेंगे। चलिए बादाम और काजू भी भून चुके हैं, अब इसमें जाएगी किशमिश। किशमिश मैंने ऐड कर दी है। किशमिश मैंने बाद में इसलिए डाली है क्योंकि किशमिश को ज़्यादा नहीं भूनना होता, नहीं तो वो काली हो जाती हैं। चलिए सब कुछ अच्छे से भून गया है, सूजी आटा ड्राई फ्रूट सब अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें जाएगा पानी, मैं ये पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालकर हमें लगातार हलवे को चलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई कर देंगे थोड़ी। चलिए पानी भी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसी स्टेज पर हलवे में जाएगी चीनी। चीनी को भी हलवे में मिक्स करेंगे अच्छे से। अब चीनी डालने के बाद हलवे में जाएगा इलायची पाउडर। इसको डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आ जाएगा हमारे सूजी के हलवे में। अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हलवे को पकाएंगे। हमें हलवे को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि जब हलवा थोड़ा ठंडा होगा तो उसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारे सूजी के हलवे की, हमें इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये पड़ा पड़ा और भी गाढ़ा हो जाएगा। बस मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। देखिए हमारे सूजी का हलवे का टेक्सचर कितना बढ़िया है, कितना रसीला और दानेदार बना है हमारा सूजी का हलवा। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो चलिए हमारा प्रसाद का सूजी का हलवा बिल्कुल रेडी है, अब हम अपने प्रसाद की पूरी बनाकर रेडी कर लेते हैं। पूरी के डो को रखे हमें लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इसको एक बार और हाथों से अच्छे से मसल लेते हैं ताकि ये और भी स्मूथ हो जाए। हमारा डो बिल्कुल रेडी है पूरी बनाने के लिए, अब हम इसमें से छोटे छोटे पेड़े तोड़ेंगे पूरी के लिए। देखिए इस तरह से इतना छोटा एक पेड़ा होना चाहिए, ऐसे हम 4-5 पेड़े बना लेंगे। चलिए मैंने लगभग 4 पेड़े बना लिए हैं पूरी के लिए। अब हम एक पेड़ा लेंगे, उसे हाथों से ऐसे रोल करेंगे अच्छे से, रोल करके इसको हल्का सा ऐसे चपटा कर देंगे। अब मैंने लिया है चकला और बेलन।
चकला और बेलन को हम ऑयल से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। चकले को भी इसमें पेड़ा रख देंगे और बेलन को भी हल्का सा ऑयल से चिकना करना है, ताकि पूड़ी बनाते टाइम जो पूड़ी है वो चकले और बेलन के साथ चिपके ना, और पूड़ी को बेलना शुरू करेंगे। जो पूरी है उसे हमें हर साइड से इक्वल बेलना है, मोटा पतला नहीं करना है। ये देखिए मैंने पहली पूरी बेल ली है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, साइज भी इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी डो की भी पूरी बेल के रख लेंगे, फिर उन्हें एक साथ डीप फ्राई करेंगे। पूरी तलने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। ध्यान रहे पूरी तलने के लिए जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए। अब इसमें हम अपनी पूरी डालेंगे डीप फ्राई करने के लिए। जैसे हम पूरी को तेल में डालेंगे, इसको स्पैचुला की हेल्प से प्रेस करना शुरू कर देंगे। ऐसा करने से जो पूरी है वो बढ़िया फूल जाती है। ये देखिए कितनी बढ़िया फूल गई है। अब इसको हम पलट देंगे। ये देखिए बिल्कुल हमें ऐसा ही गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए। दोनों तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये देखिए हमारी पूरी में कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है दोनों तरफ से ही। हमें बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए। ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया और कितनी बढ़िया फूल गई है। इसी तरह से हम बाकी की पूरी भी फ्राई करके रेडी कर लेंगे। लीजिए अष्टमी या नवमी जिस भी दिन आप अपने घर में कंजक पूजन करते हैं, उसके लिए हमारा हलवा पूरी और काले चने का प्रसाद रेडी है। काले चने हलवा और पूरी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो कंजके और माता रानी दोनों खुश हो जाएंगे। तो इस अष्टमी और नवमी पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नवरात्रि व्रत की फलाहारी रेसिपी देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसान और स्वादिष्ट रेसिपी है अष्टमी और नवमी प्रसाद बनाने की। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और हाँ, मेरा चैनल टेस्टी फूड बाय विभा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज़ की वीडियोस भी मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली डिलीशियस रेसिपी के साथ। बाय बाय।